All the best. Keep up this very beautiful tradition which you have started of looking at health in a very holistic manner. And I wish all the best and all the cooperation of IMA for this perfect health Mela. Dr. Kirti Bhushan. दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से डॉक्टर के अग्रवाल और उनकी पूरी टीम के साथ में है और हमारा पूरा सहयोग इसमें मिलेगा और पहले भी मिलता रहा है और मेरी शुभकामनाएं हैं सबके लिए सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर कोई इंसान मर जाता है तो उसको जिंदा कर सकते हैं So, मरा हुआ इंसान मतलब है वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा और मरे हुए इंसान का मतलब है हाथ पैर नहीं हिला रहा सो अगर आपको लग रहा है कि मरा हुआ इंसान है सांस नहीं ले रहा और हाथ पैर नहीं हिला रहा तो उसको जमीन पे लिटा दें उसको जमीन पे लिटा दें ये जमीन पे लेटे हुए हैं मरे हुए इंसान जमीन पे बिस्तर पे नहीं सोफे पे नहीं जमीन पे लिटा दें घुटनों के बल मरे हुए इंसान की साइड पे खड़े हो जाओ सब लोग खड़े होंगे घुटनों के बल पे सो घुटनों के बल खड़े हो गए डिफिकल्ट है क्या जोर से बोलो सो घुटनों के बल खड़े होके दोनों इसको हम बोलते हैं सावित्री आसन क्योंकि सावित्री ने सत्यवान को ऐसे ही बचाया होगा और दोनों हाथों से अपने हाथों को बिना कोनी को मोड़े सामने को ले जाओ इसे हम बोलते हैं सावित्री मुद्रा दोनों हाथों से फर्क नहीं पड़ता कौन सा हाथ ऊपर है कौन सा नीचे है ऐसा करने के बाद में हाथ की हथेली को इधर देखें सब लोग हाथ की हथेली को ये जो लाल रंग की जो छाती के बीचों बीच की मशीन है वहां पे हाथ को रखिए यहां पे आप सब लोगों को दिखाई देगा छाती के बीचों बीच जो बोन है यहां पे अपने हाथ को रखना है और फिर थोड़ा सा आगे आना है ताकि हाथ सीधा हो जाए थोड़ा सा आगे आना है ऐसे नहीं बॉडी नहीं ऐसे आगे हिलना है जैसे ही थोड़ा सा आगे आ गए और इसके बाद में कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से इसको दबाते जाना है जोर से आवाज आनी चाहिए यहां पे जोर से और जोर से कट कट की आवाज आनी चाहिए कब तक करना है जब तक वो हाथ पैर ना हिला दे उठ के ना बैठ जाए या फिर डॉक्टर ना आ जाए जब तक डॉक्टर नहीं आता ऐसे करते रहो 100 में से 80 लोग उठ के बैठ जाएंगे थैंक यू सर आप लोग बैठेंगे ये देखो सबको उठ के बिठाओ ये देखो सब लोग उठ के बैठ गए ये देखो सारे के सारे जिंदा हो गए सो आप सब लोग मेरे साथ में सावित्री मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे सब लोग बैठ जाइए बोलो मरने के 10 मिनट के अंदर अर्लियर द बेटर कम से कम 10 मिनट तक लॉन्गर द बेटर 10 into 10 कम से कम 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले मरे हुए इंसान की छाती पीटो हमें अपनी जानकारी से लोगों को पुनर्जीवित करना है और ये हेल्थ मेले का यही संकल्प है एक मानव होने के नाते ये एक तो हमारा वैसे भी निजी दायित्व बनता है लेकिन धर्म के शास्त्र भी इस बात की पुष्टि देते हैं कि किसी के भी काम अगर आप आते हैं जान बचाते हैं इस प्रकार की सेवा देते हैं तो वो तो आपके लिए सदा एक पुण्य का कर्म सदा के लिए आप बना रहेगा तो ये इस तरीके की सेवा देनी चाहिए रघुकुल रीत सदा चली आए CPR ना आए तो प्राण जरूर जाए और
थोड़ा सा आगे आए ताकि हाथ एक सीध में हो जाए और इसको दबाते जाए, अपने कंधों से नीचे की तरफ को फोर्स लाते जाए सबके। सर एक मिनट में 100 बार करना होता है, तो एक मिनट में 100 बार करना है, 1000 बार नहीं करना। तो स्पीड शुड बी लाइक दैट, तो रिदम रहता है 1 2 1 2 1 2 1 2, दिस शुड बी द रिदम। इतना कंप्रेस होना चाहिए कि आपका जो चेस्ट है वो 2 इंच दबे, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो 2 इंच नीचे होता है, 2 इंच के डेप्थ पे होता है। आप सब ने एक प्रदर्शन देखा जो कि नॉर्मल कोर्स में पैरामेडिक के लिए हम लोग सोचते हैं कि करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूंकि आप सब विभिन्न कॉलेजों में पढ़ते हैं, बेसिक चीजों से वाकिफ हैं, तो अगर आप ये सीखेंगे या आप तक सीख चुके होंगे और इसका थोड़ा अभ्यास करेंगे, तो कौन जानता है कि आपके हाथ में कितनी शफा है, कितनी जिंदगियां आबाद होंगी। टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर के अग्रवाल सर एंड हिज एंटायर टीम, अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस सक्सेसफुल 25th ईयर फॉर दिस MTNL परफेक्ट हेल्थ मेला। लोग जो डिसेबल है, दिव्यांग होते हैं, उनके जो बाहर की लोगों को देखते हैं बट उनके जो अंदर चलता, अंदर जो मन की शक्ति होती है उसको नहीं पहचान पाते। इसलिए मेरा मानना है डिसेबिलिटी इज नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज द बैड एटीट्यूड ऑफ पर्सन। व्यक्ति की सोच और मन विकलांग होता है, कोई शरीर से विकलांग नहीं होता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अपने जज्बा और जुनून से मैं यहां तक पहुंचा, बहुत लोगों की ब्लेसिंग्स है। आप भी जीवन में एक गोल बनाइए, गोल के आधार पर चलिए, जीवन में आप सभी को भी सफलता मिलेगी। बांसुरी सुनने से भी फायदा है और सीखने से भी फायदा है, रियाज करने से भी फायदा है। एक तो सांसों का एक्सरसाइज बहुत अच्छा होता है। अभी मेरा डॉक्टर लोग बताते 30 सेकेंड का साह होता है, लेकिन हम लोग रियाज करके उसको 1 मिनट तक कर लेते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। संगीत करने से बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे बीमारियों के जो बीमारी आती है नहीं हो पाती है, टेंशन मुक्त होता है अगर अगर संगीत अच्छा सुनेंगे तो। Architects and developers should now focus on health aspect and indoor pollution aspects. जैसे carpet है, carpet को use को minimize करना चाहिए क्योंकि उसकी वजह से भी indoor pollution होता है। Perfect health मेला करीब 25 सालों से I think अग्रवाल जी ने start किया और शुरुआत से Department of Science and Technology इनके साथ involved है। हमारा NCSTC division बहुत ही तरीके से पिछले 30 सालों से कुछ ऐसी गतिविधियां कर रहा है जिससे कि साइंस की अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकें। साइंस एक ऐसी चीज़ है जो कि डे टू डे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। 25 साल इस मेले को इसी रूप में ऑर्गेनाइज करते हुए और लोगों तक अवेयरनेस पहुंचाते हुए इस एनजीओ ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। इस साल का थीम भी जो इस मेले का रखा गया है वो बहुत ही समीचीन है, बहुत ही उचित है। आप जानते हैं कि हेल्थ केयर या दवाएं कराना, खास तौर से इंडोर दवाएं कराना कितना कठिन होता जा रहा है, खास तौर से कितना महंगा होता जा रहा है। तो इस साल का थीम जो डॉक्टर साहब ने चुना है अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, जिसे सामान्य नागरिक भी अफोर्ड कर सके। हेल्थ केयर में क्रांति आ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें परिवर्तन आया है, तमाम बीमारियों का इलाज हो जाता है। लेकिन जो अच्छे हेल्थ केयर हैं या खास करके जो नए हेल्थ केयर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कास्ट इतनी हाई है कि सामान्य लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ये कुछ वो बच्चे हैं जिनको हम आज अडॉप्ट कर रहे हैं और इनको सर्जरी के लिए भेज रहे हैं। So they get free of cost. Each surgery costs not less than 3.5-4 lakhs. तो हम हमारे सारे पद्मा अवार्डी सेलिब्रिटीज एंड श्री अमरिंदर सिंह दुबे जी से चाहेंगे कि आप इन बच्चों के साथ में आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये सर्जरी के लिए इस हफ्ते के अंदर में जा रहे हैं।
सब लोग इनको आशीर्वाद दें। ये सब लोग ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर रवि, ये वो स्कीम है जो हम सालों से कर रहे हैं, और आपको भी अगर कहीं पर भी पूरे इंडिया में आईएमए को ऐसा कोई बच्चा मिले, इससे पहले भी कई लोगों ने भेजे हैं, और वो सर्जरी हम लोग करवा सकते हैं। इस संस्था का नाम है समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड। समीर मलिक सुमित जी के बेटे थे नहीं हैं, कि आदमी जाता नहीं है कभी उसके साथ में, और दीप मलिक जी समीर मलिक के भाई हैं, और समीर मलिक की याद में हम लोग ऐसे बच्चों के ऑपरेशन कराते हैं और कराते रहेंगे। तो आज ये बच्चे वो बच्चे हैं जिनको आज हम अडॉप्ट कर रहे हैं हमारी संस्था में, और नेक्स्ट एक महीने में इन लोगों का ऑपरेशन मेदांता में होगा, और वो भी निशुल्क। संगीत का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। संगीत के द्वारा ईश्वर प्राप्ति होती है, इसी उद्देश्य से भगवान शंकर ने रचना किया है। और कैसे किया है कि डमरू से पहले स्वर, फिर लय, फिर शब्द। जब गढ़ दस खप छठत छठ तब कप सरहल, ये 14 सूत्र है डमरू से, इसको उन्होंने निकाला है। पहले स्वर आ ई ऊ ए ओ ओ, ये स्वर है, और जन्म से ही हम स्वर लय ले के पैदा होते हैं। स्वर क्या है? श्वासा। और लय क्या है? नाड़ी। डॉक्टर साहब आते हैं तो पहले नाड़ी देखते हैं या तो श्वासा देखते हैं, दोनों में से कोई अगर नहीं है तो आदमी जी नहीं सकता है। यही हमारा सबसे शुरुआत भगवान ने दिया है कि आप हमको स्वर लय दे करके भेजे हैं। और पहले स्वर दिया आ ई ऊ ए ओ औ अंग, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उसी में लय है। पांच प्रकार की जातियां हैं, चतुस्र खंड तिस्र मिस्र संकीर्ण, पांच मात्रा, चार मात्रा, छह मात्रा, सात मात्रा, नौ मात्रा। यही ताली पूरे संसार में चल रही है इतना ही मात्रे में। वो कैसे है कि अयुण नादि धिन्ना नादि धिन्ना, पहले 16 मात्रा, ये पहले उन्होंने रचा है भगवान शंकर ने। अयुण अयुण नादि धिन्ना नादि धिन्ना, उसके बाद रिल रिक धिन धिन धा धा तुन्ना कत्ता धगित धिन्ना धिन धिन, ये रचा। फिर ए अंग उच ए ऊँग अय उच धीना धी धीना तीना धी धीन, उसके बाद हय वरट लड़ हय वरट लड़ ती तीना धीना धीना ती तीना धीना धीना ती तीना, ये नव ख फ छ ठ थ च ठ तव ख फ छ ठ थ च ठ तव नव। तो रची महेश निज मानस राखा। जिस समाज में हम आए हैं, डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा काम है। डॉक्टर साहब जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मैं इनको धन्यवाद देता हूं और इनके साथ हूं, हर हर जगह इनका प्रचार करूंगा। और इस योग्य काम ऐसा कर रहे हैं कि हमारे देश के बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम है, और इसको करते रहना जरूरी है। सबका काम है कि इनका सहयोग करें, हर प्रकार से साथ दें इनका, तब इनका मनोबल बढ़ेगा। एक आदमी का काम नहीं है। सुनीलाल जी, जैसे आपने बात करी शब्दों की, मैं तो डॉक्टर हूँ, स्टेथोस्कोप को पहना हुआ है। मेडिकल साइंस ये कहती है जो स्वर हैं आ ई उ ए आउच, जब भी शरीर में चोट लगती है तो जो आवाज़ निकलती है वो स्वर हैं, क्योंकि इससे हमारे शरीर में इंटरल्यूकिन 2 पैदा होता है जो दर्द निवारक दवाई है। जब भी मेरा मन रोने का करता है तो जो आवाज़ निकलती है वो नासिक व्यंजन है, मा ना गण न हन, ये रोने की आवाज़ होती है। रोने की आवाज़ से मन शांत होता है, मेरे ब्रेन में डेल्टा एक्टिविटी होती है, इसलिए ओ यानी कि बड़ा वाला स्वर और साथ में एक नासिक व्यंजन मा। एक डॉक्टर बोल रहा है कि ओम हैज़ नथिंग टू डू विद हिंदुइज्म, इट हैज़ टू डू विद ए डॉक्टरिज्म, कि अगर आप ओम यानी कि स्वर और नासिक व्यंजन की चैंटिंग करेंगे तो हमारी डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए हम इनको डॉक्टर के अग्रवाल नहीं, डॉक्टर ब्रह्मज्ञानी के रूप में ही बुलाते हैं, क्योंकि किसी भी विषय पे, किसी भी सब्जेक्ट पे डॉक्टर साहब माइथोलॉजी, ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट, साइंस, हिस्ट्री, मैथ, सारा कुछ जोड़ देते हैं। संगीत जो है ये आराधना है। हम लोग जब संगीत के लिए बैठते हैं, रियाज करते हैं, एक एक स्वर की आराधना करते हैं, और
उस आराधना में हम अपने आप को इतना डिसिप्लिन कर लेते हैं, स्वर को कैसे लगाना, उस पे भाव कैसे लाना, तो इससे हम लोगों को एक डिसिप्लिन अपने अपने जीवन के लिए एक डिसिप्लिन मिल जाता है और हमारा पूरा जीवन उस डिसिप्लिन से चलता जाता है। ना ही वो केवल हमें संगीत में मदद करता है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को क्या डिसिप्लिन रखना चाहिए वो सब सिखाता है। कथक नृत्य हमारे उत्तर भारत का नृत्य है। अब वाक्यों में बताना नृत्य के बारे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाव भंगिमाएं, हाथों का चलना, पैरों का चलना, टोटल बॉडी का संचालन, उसमें हस्तक मुद्राएं बननी, किसी कहानी को लेकर चलना, किसी कविता को लेकर चलना, उसकी टेक्निकलिटीज़ को लेकर, कथक नृत्य में ख़ास तौर से हम लोग टेक्निक्स बोलते हैं, थोड़े टुकड़े परन जो बहुत तांडव रूप होता है, भाव चेहरे से भाव बताना, हस्तकों का इस्तेमाल करना, ये लास्य रूप होता है। बाकी तो आप कभी भी, मैं चाहूँगी कि कभी भी कथक नृत्य का कार्यक्रम हो, आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि कथक नृत्य क्या होता है। जो डॉक्टर अग्रवाल, मैं इनको हमेशा के अग्रवाल जी कहती हूँ, मुझे आज तक नहीं पता इनका के से क्या अब निकलता है नाम, पर मैं इतना जानती हूँ के अग्रवाल है। मरे हुए अभी जिंदा करेंगे ये, पता नहीं क्या क्या ये, एक मिनट, पूरी बात। जन्माष्टमी को पैदा हुआ था, नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण कुमार जी, क्या बात है, बताइए, कथक नृत्य से जुड़ा हुआ नाम है ये। कथक कहे सो कथा कहलावे, मंदिरों से, वृंदावन के मंदिरों से निकला हुआ कथक नृत्य, वो कृष्ण कुमार जी यहाँ खुद मौजूद हैं। मैं तो इनसे कहूँगी कि फ्लूट की मुद्रा बांसुरी बजाते हुए पोज बना दें। देखिए, हम डॉक्टरी तो नहीं कर सकते, ये तो माहिर है, मरे हुए को जिंदा करने पर लगे हुए हैं कृष्ण कुमार जी। और अब मैं चाहूँगी खाली बांसुरी का पोज बना दें, बस ये आपके सामने कृष्ण जी के अवतार। अभी कृष्ण कुमार जी हैं तो पोज तो बनाएंगे ही जरूर, और जरूर जानते होंगे। डॉक्टर रवि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, मैं चाहूंगा आप दोनों मिलकर बनाएंगे। आइए आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए 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 प्लीज प्लीज, ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है IMA के। कृष्ण संग राधा और रुक्मिणी दोनों ही, लक्ष्मी और सरस्वती साथ ही हैं। कृष्ण संग राधा और रुक्मिणी, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही इस विराजमान हैं। एक बार खूब इनका अभिनंदन करें, ये खुद ही भगवान के अवतार जो धरती पे कला के रूप में, साइंस के रूप में और सोशल वर्क के रूप में आए हैं। मैं आपको लक्ष्मी कुट्टी की आरती सुनाता हूँ, जिसने औषधि जगत में 600 से ज्यादा आविष्कार किए और ढूंढ के कारण पता लगाए कि इनसे क्या क्या इलाज हो सकते हैं। जय लक्ष्मी कोटी मैया, जय लक्ष्मी कोटी, सर्पदंश के विष की, नागवंश के विष की, कर डाली छुट्टी मैया, जय लक्ष्मी कोटी। लक्ष्मी होकर खुद लक्ष्मी से ना चाही माया, मैया ना चाही माया, गरल घोट कर तुमने, खरल खोट कर तुमने, पद्मासन पाया, धन वालों की लक्ष्मी जी से सदा रखी कुट्टी मैया, जय लक्ष्मी कुट्टी। अब मैं इनसे क्या चाहता हूं, सर्प एक आतंकवाद का खुलकर फुफकारे मैया, खुलकर फुफकारे, हिजबुल ध्वस्त अगर तू, अब देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हिजबुल ध्वस्त अगर तू हर बल से मारे, हिज और हर को ध्यान में रखिए अंग्रेजी में,
हिजबुल ध्वस्त अगर तू हर बल से मारे, रोए सारे विषधर फणधर, हाय किस्मत फुट्टी मैया जय लक्ष्मी गुट्टी। इसमें लंबी आरती है, एक आध और सुना देता हूँ इसका। अब देखिए एक शब्द आएगा जो पिछले दिनों बड़ा लोकप्रिय रहा, पद्मश्री तू पद्म, पद्मश्री तू पद्मासन तू पद्मावती नाही, मैया पद्मावती नाही, तेरी औषधि के बिन तेरी बूटी के बिन कोई गति नाही। अच्छा, कुट्टी जी की आरती कोई सांप अगर गावे, अम्मा सांप अगर गावे, कज के चुली तजे भुजंगा, होकर पूरा नंगा बिल में घुस जावे, बिल के अंदर बिल बिलाए और मारे लुट लुट्टी भैया जय लक्ष्मी कुट्टी। तो अंत में है, कुट्टी जी की आरती कोई नौजवान गावे, मैया नौजवान गावे, कहत चक्रधर स्वामी बनत चक्रधर स्वामी रोजगार पावे, अपने सारे नौ निहाल अब पिए तेरी गुट्टी मैया जय लक्ष्मी कुट्टी, जय लक्ष्मी कुट्टी मैया जय लक्ष्मी कुट्टी, सर्पदंश के विष की नागवंश के विष की कर डाली छुट्टी अम्मा जय लक्ष्मी कुट्टी।